मैंने कहा तो मैं लाचार हूं, अगर यहां कोई होता तो मैं उससे अपने पैर हटाने के लिए जरूर कह देता। ये धर्मी कुत्ते तो हटाने से रहा और मैं अपनी आंखों से अधर्म होते नहीं देख सकता। विष्णु मेरे आराध्य हैं, उनके सम्मान की रक्षा के लिए यदि मुझे इस धूर्त का पैर पकड़कर हटाना पड़ा तो हटाकर ही दम लूंगा। अहम को बहुत सुकून मिला होगा ना कि देवी दास ने तुम्हारे चरणों को छुआ, मगर तुम मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं। मेरे लिए महत्वपूर्ण है ये कमल का फूल। मैं तुम्हारे छल में फंसने वाला नहीं, समझ गए? कैसे कमल आ गया? मेरा भ्रम है या कुछ और? कुलकर्णी सही कह रहा था कि ये मायावी है, मैं इसके माया के जाल में फंसने वाला नहीं हूं। वो दामोदर फंस सकता है। जो मिलता है बस उन्हीं का होके रह जाता है। आप भी उनसे जब मिलेंगे ना, आपको भी यही एहसास होगा गुरुजी। मेरे साई श्रद्धा और सबूरी का पाठ पढ़ाते हैं, तो जाने ऐसे कितने लोग हैं जिनका बेड़ा पार लगाया है उन्होंने। आपने इतने जटिल विषय को इतनी सरलता से समझा दिया। मैंने उस प्रकाश में साई को भी देखा था। Sai Om 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 Sai
अलख निरंजन साई राम, अज्ञान तिमिर से घिरा भयंकर ज्योति शुभंकर साई। हे प्रभु, आज मेरा जीवन धन्य हो गया। आपने मुझे साक्षात दर्शन दिए। मेरे नारायण ने मुझे दर्शन दिया। हे प्रभु, मैंने आपकी पूजा सच्चे हृदय से की है। मैं ये नहीं जानता था कि मैं इतना भाग्यशाली हूं कि आप मुझे दर्शन दे गए। मैं तो यही सोचा करता था कि ये सब केवल पौराणिक काल में ही संभव है। आज के युग में ये कैसे हो सकता है? गुरुजी, क्या हुआ गुरुजी? साई ने हमें स्वयं में विष्णु भगवान का दर्शन कराया। क्या छवि थी उनकी, संदेह कर रहा था। साई के माध्यम से मुझे विष्णु भगवान के दर्शन हो गए। अब साई के लिए भी कुछ करने का समय आ गया है। एक सज्जन साधु भला उस खंडार में कैसे रह सकता है? ऐसे दिव्य पुरुष का तो शिरडी में सम्मान करना चाहिए। मेरे शिरडी में साईं जैसे पुण्य आत्मा पर ये फटे पुराने कपड़े शोभा नहीं देते। उसके लिए तो एक भव्य सा मठ होना चाहिए। उसको मैं बनवाऊंगा। मैं अब मैं साईं को दिखाऊंगा कि सेवा क्या होती है और भक्ति क्या होती है। चरण सो, खुश रहो, खुश रहो। आप सुबह सुबह यहां? हाँ, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूं। जहां तक साई का प्रश्न है, उसे भौतिक वस्तु की चाह नहीं है। हाँ, कहता है कि भिक्षा मांगना उसका धर्म है। भिक्षा मांगने से उसकी विनम्रता बनी रहेगी। मैं रोज जाती हूँ उसके लिए खाना लेकर और जबरदस्ती उसे खिलाती भी हूँ, लेकिन भिक्षा का क्या है, कभी मिलती है कभी नहीं, वो उसी में गुजारा करता है। साईं एक भला आदमी है और वो किसी को परेशान नहीं करना चाहता, इसलिए वो मना कर देता है। लेकिन अपना भी तो कोई फर्ज है, लोग उसकी बातों को मान क्यों लेते हैं? मैंने तो एक योजना बनाई है। अगर साईं उस खंडार में रहना चाहता है तो रहे। हमने ये सोचा है, हम उस खंडार का पुनर्निर्माण करेंगे और उसे एक भव्य मठ बनाएंगे जिसमें साईं की जरूरत की सारी चीजें होंगी। रेशमी वस्त्र होगा और ये सब सारा काम जब उसकी आंखों के सामने होगा तो बहुत खुश होगा, मना नहीं कर पाएगा। और ये सारा कार्य मैं अपने पैसों से करूंगा। अगर गांव का कोई व्यक्ति इसमें दान देना चाहता है तो हम उसका स्वागत करते हैं। तो फिर ये तय हो गया। अप्पा, तुम गांव के सारे लोगों को ये बात बताओगे? जी। खुश रहे।
क्या आपको लगता है कि इससे साईं खुश होगा? आप मेरा उत्तर तो जानती है, देवीदास जी ने कहा है तो गांव वालों को तो बताना पड़ेगा। भिक्षाम दे, साई, ये मेरी पत्नी एकांता, और मैं चाहता हूं कि आज यही आपको भिक्षा दे। कांता, आशीर्वाद लो साई से। राम जी भला करें। तुम्हें तो आशीर्वाद की कोई आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि तुम तो पहले से ही बहुत खुश हो। हाँ साई, जब से मेरी शादी हुई है मेरा पूरा जीवन ही बदल गया। ससुराल वालों ने मुझे बहुत सारा धन दिया है। मैं तो आपके पास आता था साई, अपना दुखना रोता था। मेरी आर्थिक स्थिति तो आप जानते ही थे, दुकान नहीं चलती थी, कुछ काम नहीं होते थे। लेकिन साई, जब से मेरी शादी हुई है मेरा जीवन सुधर गया। ससुर जी ने मुझे धन दिया, जमीन दी, सोने के सिक्के दिए और हर वो जरूरत का सामान दिया जिसकी मुझे जरूरत थी। मेरा जीवन पूरी तरह से बदल गया साई। आखिरकार लक्ष्मी जी ने मुझ पर अपनी कृपा कर ही दी साई। लक्ष्मी का निवास वहां नहीं होता जहाँ धन होता है, बल्कि लक्ष्मी जी का निवास वहां होता है जहाँ जहां दया हो, धर्म हो, शांति हो। और तुम्हारी पत्नी इन सब गुणों के साथ आई है। तुम्हारे घर की लक्ष्मी तो यही है, इसी के आने से बरकत हुई है। जिस धन की तुम बात कर रहे हो वो भौतिक धन तो आता जाता रहता है, लेकिन ये धन स्थाई है। धन के जाने से लक्ष्मी जी कभी नहीं जाती, लेकिन जिस घर में कलह हो, अशांति हो, द्वेष हो, अधर्म हो, उस घर में लक्ष्मी का वास निश्चित रूप से कभी नहीं होता है। धन अर्जित करने से ज्यादा जरूरी है धन की सही परिभाषा समझना। असली धन क्या है ये जान लेना। असली धन वो है जो इंसान के पास से सारी जमा पूंजी, सारा धन संपत्ति, जमीन जायदाद सब चले जाने के बाद भी व्यक्ति के मन को शांति दे दे, अपने जीवन के इस असली धन को पहचानो। अल्लाह मालिक। सरकार, देवीदास जी ने कहा कि जिस खंडर में वो बैरागी रहता है उसका निर्माण करवाएंगे, उसे भव्य महल में बदल देंगे। उस बैरागी के पास सुख सुविधा की हर वस्तु होगी, घोड़ा गाड़ी होंगे, नौकर चाकर होंगे उसके पास। देवीदास,
वो साई को बड़ा बनाना चाहता है सबकी दृष्टि में। जो सुख सुविधाएं मुझे थी वो उस साई को देना चाहता है। एक उसने उसने विश्वासघात किया है मेरे साथ। कपटी है वो। मेरे 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 पीठ में छुरा खोपा है उसने। काड़ा लाम मेरा काड़ा। सरकार इतने दिनों से काढ़ा पी रहे हैं लेकिन फायदा नहीं हो रहा है इन्हें। यह औषधि असर क्यों नहीं कर रही है? पापा घबराओ नहीं, भाई साहब का अभी ताइमा को लेकर आती हूँ। मामा बस थोड़ा वक्त और। अब जाइए गर्म पानी लेकर आइए। जी भामा, हिम्मत से काम लो, ठीक हो जाएगा सब। भरोसा रखो विठल पर। संतान का सुख दुनिया के सबसे बड़े सुखों में से एक है। मुझे उम्मीद है तुम इस पल को हमेशा अपने दिल में महसूस करते रहोगे। भाई सामा बधाई, बधाई हो माल संबंधि जी। अम्मा जी की कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए, उठने की कोशिश तो कीजिए आप। हे भगवान, मैं क्या करूं? तुम क्यों अफसोस कर रही हो? इस समय जिसे सहारा देना चाहिए था, बुढ़ापे की लाठी बननी चाहिए थी। जब हमारा बेटा ही हमारे साथ नहीं है। देखिए, जो तुम्हारी श्रद्धा हो, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। जो तुम्हारी इच्छा करे, साईं के लिए जो दान देना चाहते हैं वो कभी भी यहां आके मुझे दान दे सकते हैं। खुश रहिए। गुरुजी, अब आप कुछ खा लीजिए, उसके बाद ही कहीं जाइएगा। सुबह से किसी ना किसी से बात करने में व्यस्त हैं आप। नहीं बेटा,
उस खंडहर पर मैंने कुछ लोगों को बुलाया है उसके पुनर्निर्माण के लिए। वो मेरा इंतजार कर रहे हैं। वो लोग आपकी प्रतीक्षा कर लेंगे, लेकिन आप खाए बिना मत जाइएगा। तू मेरा शिष्य है या अभिभावक? जब मैं 13 साल का था तभी मैं अपने घर वालों से अलग हो गया था, और तब से यही मेरा घर है। और अब आप मुझे अपना शिष्य समझ लीजिए, अपनी संतान समझ लीजिए, या फिर अभिभावक या माता पिता, लेकिन मेरे लिए तो अब सब कुछ आप ही हैं। ठीक है ठीक है, इतना भावुक मत कर मुझे। जला थोड़ा सा खा लेता हूँ, क्योंकि वो लोग वहां मेरा इंतजार कर रहे हैं। अभी लाता हूँ गुरुजी। मलुराया तव शरणम, मलुनाथा तव शरणम, मलुराया तव शरणम, मलुनाथा तव शरणम, त्रिगुणात्मका त्रिगुणातीता त्रिभुवन पालक तव शरणम, चलो यहाँ भी गुहार लगा लेते। शाश्वत मूर्ते तव शरणम, दीप सुंदरा तव शरणम, पंचानना हयवाहना शेष भूषणा तव शरणम, भक्त पालका तव शरणम, भक्त रक्षिता तव शरणम, भक्त वत्सला भक्त पालका भक्त दयाला तव शरणम, भक्त वत्सला भक्त पालका भक्त दयाला तव शरणम, भक्त वत्सला भक्त पालका भक्त दयाला तव शरणम। आरती लीजिए। आप लोग इस गांव के तो नहीं लग रहे। दर्शन के लिए शनि शिगनापुर जा रहे हैं। आप बहुत अच्छे समय पर आए। आरती लीजिए। पति जी, जी वो पानी का पात्र उठा कर दे दीजिए। जी लीजिए। आप यहां सीढ़ी पर बैठ जाएं, मैं आपके पैर धुला देता हूं, आराम मिलेगा। तुम्हें कैसे पता चला मेरे पैरों में दर्द है? अल्लाह मालिक। यही वो जगह है जहां भव्य मठ का निर्माण होना है। क्या कर रहे हैं ये लोग? बेटी साई कहाँ है?
साई तो भिक्षा मांगने गए हैं, पर गुरुजी ये लोग कौन हैं? और ये लोग हमारे द्वारका माई की जमीन को क्यों नाप रहे हैं? द्वारका माई को द्वारका का रूप, द्वारका की भव्यता मिलने जा रही है। देखो, मेरे दिमाग में पूरा नक्शा है। यहाँ पर साई की रसोई, यहाँ पर बैठक सुंदर सा, और यहाँ पर शयन कक्ष, और यहाँ पर होगा साई का स्नान गृह, और यहाँ पर झरोखा जहां से साई अपने भक्तों को दर्शन देंगे, और यहां पे होगा प्रवेश द्वार, विशाल प्रवेश द्वार, यहां पर एक सुंदर बागीचा, बहुत सुंदर बागीचा। पैसों की चिंता मत करना, मैं पैसा पानी की तरह बहा दूंगा, लेकिन जैसा मैं चाहता हूं वैसा बनना चाहिए। गांव वाले अगर चाहें तो अपना योगदान दे सकते हैं, लेकिन इसके निर्माण की जिम्मेदारी मेरी होगी। मतलब इस द्वारका माई की जगह नए द्वारका माई बनवा देंगे आप? हाँ। गांव वाले भी इसके लिए पैसे दे रहे हैं? जिसे साईं की प्रति श्रद्धा होगी वो दान दे सकता है। तो मैं भी द्वारका माई के निर्माण में योगदान दूंगी। क्यों मुस्कुरा रहे हैं आप? आप अकेले नहीं हैं जो इस द्वारका माई को सुंदर बनाना चाहते हैं। कितने दिनों से हम इसकी देखभाल कर रहे हैं। वो जो दीवारें हैं उस पे तरह तरह के चित्र हम बच्चों ने बनाए हैं। ये पेड़ पौधे और वो साफ सफाई हम सब बच्चों ने ही की है। ठीक है, ये लीजिए, आज मैंने ढेर सारे उपले बेचे हैं। उपले? ठीक है, इसको तुम अपने पास रख लो, मिठाई खा लेना। मुझे मिठाई की चाह नहीं है, मेरी चाह है कि मेरे साई की द्वारका माई संसार में सबसे सुंदर जगह बन जाए। आपको इन सबको पेशगी देनी होगी, पेशगी से काम जल्दी हो जाता है। गांव वाले लोग मुझे भी पेशगी ही देते हैं उपले बनाने के लिए। बेटी, ये रकम बहुत छोटी है, ये हमारे किसी काम की नहीं है। जब मुझे इसकी आवश्यकता होगी तब मैं तुमसे मांग लूंगा, इसे तुम अपने पास रख लो। मेरे विचार से तो आप लोगों को देख के ही उनका दर्द जान जाते हैं, है ना साईं? साईं? तुम साईं हो? मैंने लोगों से तुम्हारे बारे में बहुत सुना, तुम लोगों को स्वस्थ करते हो, मुसीबत के मारों की मदद करते हो। अल्लाह, इनसे कहिए ना, शायद भगवान ने हमें यहाँ इसीलिए भेजा कि साईं से मुलाकात हो जाए। माई, क्या आप किसी संकट में हैं? कोई समस्या है आपको? दस साल पहले एक मेले में गए थे हम, वहां हमारा बेटा अचानक गायब हो गया। हमने उसे सब जगह ढूंढा लेकिन वो कहीं नहीं मिला। उस दिन से आज तक उसी को ढूंढ रहे हैं हम लोग। पिछले 10 वर्षों में एक दिन ऐसा नहीं गया होगा जब मेरी नजरें दरवाजे से हटी हो। बहुत मन्नत मांगी तब जाके शादी के 12 साल बाद उसका जन्म हुआ और हमने उसे खो दिया।
13 साल का था वो उस समय। अब तो इस जीवन की आखिरी ख्वाहिश है कि मरने से पहले उसे एक बार भेंट हो जाए। इसी आस में हम लोग यात्रा कर रहे हैं, शायद भगवान को हम पर रहम आ जाए और वो बेटे से हमें मिला दे। अब तो 23 साल का हो गया होगा वो, पता नहीं कैसा दिखता होगा वो, तो सामने आ जाएगा तो हम पहचानेंगे कैसे। इसके आंखों से आंसू का दरिया रुकता ही नहीं, मुझे तो डर है कहीं रो रो कर अंधी न हो जाए। माई, भगवान ने चाहा तो तुम्हारा बेटा बहुत जल्द मिल जाएगा। सच साई, सच बोल रहे हो? बोलो ना साई, कब मिलेगा? बोलो साई। जहां 10 साल इंतजार किया है, भगवान पर विश्वास बनाए रखा है, बस कुछ दिन सब्र और कर लो। ओम साई, ओम साई, ओम साई, ओम साई। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.